नमस्कार दोस्तों, इटीसी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के जो वीडियो होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ होने वाला है मुंबई सिटी। दोनों टीम काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है, दोनों टीम काफ़ी अच्छा खेल दिखा सकता है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करें थोड़ी डिटेल्स में। तो आप इस वीडियो को जरूर स्टार्ट देखना। अगर आप नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का फैन हो या फिर आप मुंबई सिटी का फैन या फिर आप आईएसएल का फैन, तो आपको ये वीडियो जरूर स्टार्ट देखना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए इटीसी स्टूडियो चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम की बारे में, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में कौन कौन खेल सकता है, तो मैं उसी के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ प्रेडिक्शन देने वाले हो, क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीत सकता है या फिर नहीं। तो मैं उसी के साथ साथ पॉइंट टेबल के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कहाँ जा सकता है, ऊपर जाएगा या फिर आएगा नीचे, तो मैं उसी के बारे में भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लस्ट देखना। तो मैं सबसे पहले बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर के बारे में, कौन कौन खेलने वाला है। तो मैं ऐसे में अगर देखा जाए पिछले मैच में जिन जिन प्लेयर ने खेला बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, चेंजेस नहीं आने वाले। उसी के साथ साथ की भी जीवो में अभी तैयार है, यानी कि वो जो भी इंजरी था वो अभी फिट है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और यार बात करें की भी जिमोमी को भी खिला सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता की भी जिमोमी इस मैच में खेलने वाला है। मुझे लगता है अगले मैच में की भी जिमोमी खेलने वाला है, क्योंकि अगले मैच और भी टक्कर की मैच होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गोवा के साथ होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यूनाइटेड एफसी के साथ जो गोवा की मैच होने वाली, उस वीडियो का अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यूट्यूब पर आपको लिंक मिल जाएगा, चाहिए और जरूर देखिए। तो मैं उसी के साथ साथ अगर बात करें पॉइंट टेबल के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर जीते तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फिर से टॉप में जाने वाला है, यानी कि एक नंबर पे जाने वाला है। तो उसी के साथ साथ एक बेड नीचे है, अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हारे तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बहुत नीचे आने वाला है। पर जहां तक मुझे मालूम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड नहीं हारना चाहिए। तो मैं उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रेडिक्शन के बारे में, कौन जीत सकता है, तो मैं प्रेडिक्शन हमेशा की तरह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीतने के चांसेस ज्यादा बन रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस साल की टॉप टीम है। उसी के साथ साथ ये जो मैच होने वाला है गुवाहाटी में, यानी कि फैन सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, कमेंट पर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।